ध्रुव आपको बहुत बहुत बधाई हो, लॉर्ड ऑफ कंग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने 72 रैंक लिया ऑल इंडिया लेवल पे इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 के एग्जाम में, राइट? तो मुझे लगता है कि आपके और आपके घर के लिए बहुत बड़ी खुशी का मौका होगा अभी। अभी कैसा फील हो रहा है आपको सभी इस रिजल्ट फाइनली पाके? पहले तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दी विशेस। सेकंडली सर काफी अच्छा लग रहा है। एक ऐसा लग रहा है कि सर काफी टाइम से जो एक बर्डन टाइप था, लोड टाइप था माइंड से, वो हल्का हो गया है आफ्टर द रिजल्ट्स, क्योंकि बहुत सालों का सर सेक्रीफाइस था इसमें, एफर्ट्स थे, तो उनका रिजल्ट देख के तो सर काफी अच्छा लगा सर। तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था ध्रुव इस बार जो क्वालिफाई किया? पहले सर दिस वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट। दो अटेम्प्ट में क्या हुआ ध्रुव, किस क्या है? सर पहला अटेम्प्ट मैंने 2018 में दिया था, बट उस टाइम पर से मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पाई थी। सेकंड अटेम्प्ट था, दैट वाज माय फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट। उसमें फॉर सम रीजन सर वहाँ पे प्रीलिम्स के टाइम पे आई गॉट नर्वस और थोड़े सिली मिस्टेक्स कर दिए, तो आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स। एंड थर्ड अटेम्प्ट में सर फॉर्चुनेटली एवरीथिंग वेंट वेल एंड आई सिक्योर्ड 72nd रैंक। तो इसका मतलब है कि यू वर्कड वेरी वेल ऑन योर फेलियर्स, कि पिछले दो में जो मिस्टेक्स हुए कमी रही आपने एक ही बार में सुधार लिया, और तीसरे अटेम्प्ट में प्री मेंस एंड फाइनली इंटरव्यू क्वालिफाई करके ऑल इंडिया 72 रैंक, दैट इज वंडरफुल, बहुत अच्छा। ये जो करेक्शन है कि आपने जो किया, यू नो इट इज सेड, इट इज वेरी ओल्ड सेइंग, फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। इंसान जो है अपनी गलतियों से सीखता है, उस पर वर्क करता है। दो तरह की चीज होती है, या तो उसे डिमोटिवेट हो जाता है, अच्छा मेरा प्री में नहीं हुआ, पहली बार भी नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं हुआ, तो तीसरे बार आते हैं तो फियर और बढ़ जाता है, स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं, एक नर्वस ब्रेकडाउन की कंडीशन आ जाती है। लेकिन आपने ये दोनों हर्डल्स को क्रॉस किया और तीसरी बार आप फाइनली अपने पाया, तो थोड़ा अपने फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए इसको शेयर करिए कि कैसे आपने वर्क किया दो शुरू के अटेम्प्ट में, और क्या गलतियां रही जिसको अपने सुधार के तीसरे अटेम्प्ट में परफेक्ट कर लिया। सर मैं 2019 वाले अटेम्प्ट से शुरू करना चाहूंगा। वहां पे सर नॉलेज वाइज एंड प्रिपरेशन वाइज मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, बट जब रिजल्ट्स नहीं आए तो आई स्टार्टेड इंट्रोस्पेक्टिंग कि मैंने क्या गलत किया था। तो उसमें सर आई फाउंड टू मेजर इश्यूज। पहला तो कि मेंटालिटी इश्यूज होते हैं, कि जब मैं पेपर भी अटेम्प्ट कर रहा था तो भी देर वर लॉट ऑफ डाउट्स, और वो था कि आई कुड नॉट परफॉर्म माई बेस्ट ड्यू टू फॉर वट एवर रीजन, की प्रेशर में आई डिड सम सिली मिस्टेक्स एंड ऑल। एंड सेकेंडली सर आई रियलाइज कि जिस टाइप के पेपर्स आ रहे हैं 2018 ऑनवर्ड स्पेशली, मैंने ये नोटिस किया है कि सर दे हैव बिकम वेरी मच एनालिटिकल, और जो पूरे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है वो जितनी ज्यादा इंटीग्रेटेड होगी। आप मतलब कई एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए अलग से पढ़ते हैं, मेंस के लिए अलग से पढ़ते हैं और इंटरव्यू के लिए अलग से पढ़ते हैं। तो आफ्टर 2019 आई रियलाइज कि आपकी जितनी ज्यादा इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होगी प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए, तो इट वुड बी मच इजियर फॉर यू टू क्लियर ऑल थ्री स्टेजेस। तो दिस वॉज दिस टू वर दी मोस्ट आई वुड से कि सबसे ज्यादा फंडामेंटल चेंजेस जो मैंने लाए था अपने प्रिपरेशन में सर। दैट इज वेरी गुड। जो है इसमें स्पेशली हमारे सबके लिए बहुत गर्व की बात है ध्रुव, कि आप चाणक्य सेकेंडरी जयपुर ब्रांच के आप स्टूडेंट भी रहे हैं, फुल टाइम स्टूडेंट रहे हैं, तो आप अपने जो करेक्शन किया और चीजें हैं वो बहुत है। कौन से बैच में थे चाणक्य सेकेंडरी जयपुर ब्रांच में आप? सर 2018 2018 में। थोड़ी सी आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और फैमिली में कौन है और कहाँ, किस तरह से आगे जर्नी गई है आपकी? जी सर। सर मैं राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में, मेरा गांव है सुरजनपुर, मैं वहां का रहने वाला हूँ। मेरे फादर का बिजनेस है, उस वजह से सर मैं गुजरात शिफ्ट हो गया था, और मेरे बचपन से लेकर सर अभी तक मैं गुजरात में ही परमानेंटली सेटल्ड हूँ। मेरे पापा का प्राइवेट बिजनेस है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, तो मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं वहाँ पे गुजरात में ही था। नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, तो सर मेरी स्कूलिंग भी वहीं हुई है, बट फॉर एजुकेशन पर्पजेस मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मैंने की है, वो NIT दिल्ली से की है सर। तो अच्छा, उसके लिए मैं दिल्ली गया था सर, और जब मेरी ग्रेजुएशन फिनिश हुई थी तो उसके बाद में सर यहाँ पे मेरे रिलेटिव रह रहे थे, तो आई केम हियर कि सिविल सर्विसेज का मैंने आई डिसाइडेड, तो आई वॉज आस्किंग अराउंड कि कौन सी अकेडमीज हैं, कहाँ से जहाँ से कोचिंग ली जा सकती है। तो यहाँ पे मैंने चाणक्य का सुना था, तो वहाँ पे सर मैं अराउंड फॉर अ ईयर 2018 में जयपुर शिफ्ट हुआ था सर। तो फॉर अ ईयर और सो फॉर कोचिंग पर्पजेस मैं जयपुर में रुका था सर। यू मीन टू से कि आप जयपुर गए स्पेशली चाणक्य अकेडमी जयपुर ब्रांच ज्वाइन करने के लिए, यू वांट टू से दैट? जी सर। अच्छा, तो आपने अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी जयपुर जाके चाणक्य अकेडमी जयपुर ब्रांच में किया, बाकी स्टडीज आपने दूसरे जगह की, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो
तो दैट वॉज ए सिलेक्शन एंड यू मे बी क्या आप उस एटमोसफेयर से फेमिलियर रहे होंगे, कंफर्टेबल लगा होगा, तभी आप जयपुर में जाके और स्टडी किया. दैट इज वेरी गुड. ये भी सब बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं कि कहाँ पढ़ना है, कहाँ क्या करना है. दैट इज नाइस. फैमिली में और भी कोई सिविल सर्वेंट्स हैं पहले से? नहीं सर, मेरी फैमिली में आई एम द फर्स्ट वन जो सिविल सर्विसेज जिसने अटेम्प्ट किया है एंड ही हैज क्लियर्ड इट. तो अच्छा, तो आप अपने थोड़े गांव के ना बारे में और अपने शहर के बारे में बताइए, कौन सी जगह, ताकि लोगों को जो आपसे हैं उसको कनेक्ट कर सके. जी सर, सर अलवर में सर थानागाजी जो तहसील है उसके पास में ही सर मेरा गांव है सोजनपुर. एंड मेरे पापा वो फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ वो सोजनपुर में ही पले बढ़े. यूज्ड टू बी द स्मॉलेस्ट ऑफ the youngest of the siblings. तो सबसे छोटे थे तो whatever education purposes government ने बहुत support किया था उनका, क्योंकि because of having large family सबको equally support नहीं मिल पा रहा था. तो government ने काफी help किया था उनको. And उनके tales वो मुझे बताते थे कि बचपन में how government provided scholarship so that उनकी education continue हो रही थी. तो that inspired me that I felt कि government के छोटे से action से लोगों की lives change हो सकती है. तो आई फेल्ट कि अगर एक छोटे से एजुकेशन इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है उससे इफ दे कैन ट्रांसफॉर्म समवन्स लाइफ एंड टुडे उनकी हेल्प से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई हैव बिकम अ सिविल सर्वेंट. तो आई फेल्ट कि मुझे भी आई हैव टू जॉइन सिविल सर्विसेज दैट आई कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म लाइव्स ऑफ पीपल. सो दैट इज व्हाट. वेरी गुड. ध्रुव, आपने कुछ गवर्नमेंट की हेल्प की बात की अपने फादर की, वो क्या था, मतलब क्या मैंने फैमिली में फाइनेंशियल सपोर्ट था, ये क्या था उसमें? जी सर, सर जैसे कि मैं बता रहा था कि सर माय फादर जो है वो सबसे यंगेस्ट सिबलिंग थे, तो उनकी एजुकेशन और एवरीथिंग एल्स वो इट कुड नॉट बी अफोर्डेड बाय द फैमिली. तो इन दैट केस सर गवर्नमेंट ने दे प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप्स और उनकी स्कॉलरशिप से उनकी मिडिल स्कूल एज वेल एज हायर जो स्कूल थी दैट कुड बी सपोर्टेड. इवन आफ्टर दैट सर उनकी जो कॉलेज लाइफ थी, ही डिड हिज कॉलेज फ्रॉम दिल्ली एंड देयर ऑल्सो सर राजस्थान गवर्नमेंट दे हेल्प in providing scholarship so that his education could continue. So mostly I would say ki sir that kind of help and that kind of direction that government provided which helped in transforming his life. So this is the kind of help that I was talking about sir. This way I think Rajasthan government is very well known ki logo ko uplift karne mein, help karne mein, aur aapke behalf pe students ko hum bata dein jo aapko watch kar rahe hain ki aap ek SC category ke student hai, naturally financial constraint की बात जो कर रहे हैं फादर को ले रहा होगा और स्कॉलरशिप दे करके उसको यहाँ तक पहुंचे. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं वेरी बोल्डली. दैट इज वेरी वेरी गुड. राइट, तो फादर गवर्नमेंट जॉब में गए आप ध्रुव जो है? नहीं सर, उनका प्राइवेट बिजनेस है. ही डिड सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम दिल्ली. उनके बाद में ही वाज लुकिंग अराउंड फॉर जॉब्स. ही डिड गेट जॉब्स इन गवर्नमेंट रेलवेज एंड अदर एरियाज बट दैट वाज नॉट हिज कॉलिंग. सो ही डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस एंड फॉर दैट ही माइग्रेटेड टू गुजरात. वेरी गुड. आपकी मतलब ये सक्सेस स्टोरी आपके फादर की भी और आपकी अपने आप में बड़ा ही मीनिंगफुल है. आप कितने भाई बहन हैं आप ध्रुव? सर आई हैव वन यंगर सिस्टर, एक छोटी बहन है सर मेरी. वो क्या कर रही है सिस्टर अभी? वो सर अभी बीए कर रही है इंग्लिश ऑनर्स. सर फैमिली से तो कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं है, तो हमने हमेशा ये बोला है कि व्हाटएवर शी वांट्स टू डू वी विल सपोर्ट इट. तो फ्यूचर में इफ शी वांट्स टू बी अ सिविल सर्वेंट, अगर उसका कॉलिंग आता है तो डेफिनेटली सब विल सपोर्ट इट. एक फ्रीडम ऑफ चॉइस है, बहुत अच्छी बात है. और आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड आपने बताया कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में किया? सर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. ओके, दैट इज वेरी. तो ध्रुव, ये सिविल सर्विसेज का आइडिया कैसे आया, आईएएस बनना है, ये कहाँ से डेवलप हुआ फैमिली में आपके लिए? सर सबसे पहला तो मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स की लाइफ को देखकर मुझे मिला था कि जिस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट उनको मिला था तो उनकी वजह से उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई थी. और सेकेंडली सर कॉलेज जब फिनिश हुआ तो उसके बाद में आई वॉज लुकिंग अराउंड कि कौन सा जॉब है विच आई वॉन्ट टू डू फॉर द नेक्स्ट 25-30 ईयर्स. तो सिविल सर्विसेज सर एक ऐसा जॉब है जिसमें आपको एक लॉन्ग और एक काफी स्टेबल करियर मिलने का अपॉर्चुनिटी देता है. और सेकेंडली सर जो वर्क प्रोफाइल है एज अ सिविल सर्वेंट की, इट इज मच मोर कनेक्टेड टू द पीपल. तो आप जितना ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जितना ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उतना सर आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है. तो माई लाइफ में सर पूरे लाइफ में सर आई ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम सॉल्वर. मैंने हमेशा ये ट्राई किया कि प्रॉब्लम्स कहाँ दिख रही है मुझे तो मैं सॉल्व करूँ. तो जब मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा तो आई फेल्ट कि दिस इज माय नेचुरल कॉलिंग एंड आई शुड गो फॉर इट. वेरी गुड डिसीजन, आपने बहुत ही कॉशियस एंड वेरी प्लान करके डिसीजन लिया, दैट इज गुड.
Hello everyone, my name is Himanshu Jain and I have secured rank 4th in UPSC Civil Service Examinations 2019. I have given my mock interviews in Chanakya IAS Academy and the panelists there were from diverse background. It was really helpful and helped me during my interview preparation. I also talked to the members personally, individually after the interview about my weak points. So it was a really wonderful experience and has helped me achieve this great rank. Thank you. अब थोड़ी सी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे आते हैं कि आपने जो जर्नी है, सबसे पहले ये बड़ा रोचक स्टोरी आपकी कि आपने अपने फादर के संघर्ष को सुनकर समझ करके अपने लिए एक मोटिवेशन का एक सोर्स बना लिया. दैट इज वेरी गुड कि स्ट्रगलर रहे हैं फादर, वहां तक मेहनत पे पहुंचे तो मैं क्यों नहीं इसे और अच्छा भी कर सकता हूँ. दैट इज वेरी वेल डन एंड यू डिजर्व अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दैट. वेरी गुड. दैट एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की थोड़ी बात करते हैं कि आपने स्टार्टिंग में कह दिया कि प्री मेंस इंटरव्यू नेचुरली चाणक्य हम आपने जयपुर ब्रांच में आपने फाउंडेशन कोर्स किया तो प्री मेंस दोनों स्ट्रेटजी आपने साथ ही तैयार की. लेकिन ये जो स्ट्रेटजी आपने बताया कि प्री और मेंस के अलग करने का फायदा नहीं होता, दोनों को साथ करना चाहिए, ये आप इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपका अनुभव क्या कहता है. जी सर, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन जो है प्री और मेंस के साथ में करने के लिए, इसका सर मैंने डिसीजन तब लिया जब मैंने देखा कि जिस टाइप के एनालिटिकल क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ रहे हैं वो सर पहले नहीं आते थे, आजकल थोड़े से ज्यादा एनालिटिकल आ रहे हैं. और उस एनालिटिकल प्रिपरेशन या उस एनालिटिकल माइंडसेट का होने के लिए आपको सर एक ब्रॉड व्यू चाहिए. कोई भी इश्यूज हैं उसको सर आप बहुत स्मॉल स्केल पे नहीं देख सकते हैं, उसके लार्जर रेमिफिकेशंस क्या हैं, कौन कौन से एरियाज में वो इफेक्ट करते हैं, तो आप उन इश्यूज को जितना डीप में जितनी गहराई में समझेंगे उतना सर आपके लिए प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करना आसान होगा. और ये सर समझना तब पॉसिबल है जब आप मेंस के प्रिपरेशन है वो उस तरीके से करें. तो आई फेल्ट कि मेंस के प्रिपरेशन मेरी जितनी अच्छी होगी उतना ही बेनिफिट मुझे प्रीलिम्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेगा. और सेकेंडली सर, मैंने अपने 2019 के फेलियर से ये सीखा कि 2019 में अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर भी हो जाता तो आई वॉज नॉट रेडी फॉर मेन्स. तो आई डिसाइडेड कि अगर मुझे एग्जाम को एक अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आई हैव टू बी रेडी फॉर ऑल थ्री स्टेजेस. मतलब आई डोंट वॉन्ट कि आज मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मैं मेंस में अटक रहा हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम मेरा मेंस क्लियर हो गया तो मैं इंटरव्यू में अटक रहा हूँ. आई हैव टू इंश्योर कि मेरे तीनों स्टेजेस एक ही टाइम में क्लियर हो. तो दिस इज व्हाई सर मैंने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट किया था. वेरी गुड. बहुत अब आप लेकिन फिर भी जो है ध्रुव, सारे तैयारी के बावजूद भी प्री भी एक बड़ा ट्रिकी एग्जाम होता है, फिर सारे लोग अपियर होते हैं और स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो कुछ बेसिक टिप्स जो प्री के लिए है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे चीजों को याद करें. बहुत सारे फैक्टर्स आता है, बहुत सारे, तो उसमें आपने कुछ खास स्ट्रेटजी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के साथ जो प्री के लिए अडॉप्ट किया, चूंकि दो बार प्री आपका नहीं भी हुआ है ना और फिर फाइनली आपका हुआ, तो प्रीलिम्स के लिए कुछ बेसिक चीज बताइए उसमें जो है. सर प्रीलिम्स के लिए सर एक तो क्या पढ़ने के लिए, तो सर पहले तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जितने भी सब्जेक्ट्स की उनको सर बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका जितना नॉलेज है उसको आप जितना रिवाइज करेंगे वहां पे उतना अच्छे से आप रिकॉल कर सकते हैं. सेकेंडली चीज सर मैंने ये देखी है कि प्रीलिम्स में जो पेपर जिस तरह से डिजाइन होते हैं उसमें सर लोग ये करते हैं कि दे ओनली अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन जिनमें उनको बहुत अच्छे से आता है. बट वहां पे सर प्रैक्टिकली मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है और मेरे साथ जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनका पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि एट मैक्स उन लोगों को 35-40 क्वेश्चन आते थे आउट ऑफ 100, बट स्टिल दे वर अटेम्प्टिंग अराउंड 80-85 क्वेश्चन. तो वहां पे जाके सर कई बार क्या होता है कि लोग प्रेशर में आ जाते हैं, बिकॉज सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि प्रीलिम्स हैं वो काफी टफ बोल जा रहे हैं और उसके सर ऐसे रेमिफिकेशंस हैं कि अगर आप प्रीलिम्स नहीं निकालते हैं तो आपका पूरा साल वेट करना पड़ जाता है आपको. Right. तो उस सेंस में सर प्रीलिम्स काफी ट्रिकी हो जाता है और बहुत ज्यादा टफ हो जाता है. तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि प्रीलिम्स का जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, और जरूरी नहीं है कि आपको आएंगे, आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर जिन क्वेश्चंस में आपको नहीं आता है. इसके लिए सर मैंने दो चीजें की थी. पहले तो सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जितने पुराने हो सकते हैं उतने पुराने से पेपर सॉल्व किए थे. उससे सर मुझे ये पता चल गया था कि यूपीएससी किस एरिया से पूछ रहा है ज्यादा कुछ, कौन से उनके फेवरेट एरियाज हैं. ठीक है. बहुत अच्छा. और सर सेकेंडली मैंने एक चीज ये की थी कि मैं एनालाइज कर रहा था कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. जनरली सर उनके क्वेश्चन पेपर में कई बार ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती है जो काफी सुनने में एक्सट्रीम लगती है, तो वो इसलिए दी जाती है कि सर हम उनको देख के थोड़ा लॉजिकली सोचें और हमें लगे कि इफ दिस स्टेटमेंट इज वेरी एक्सट्रीम तो इसके ज्यादा चांसेस हैं कि ये गलत हो. तो दिस इज हाउ आई वर्क ऑन माय एलिमिनेशन ट्रिक्स.
कि जिन क्वेश्चंस में आई वाज नॉट श्योर आई वर्कड ऑन माय एलिमिनेशन ट्रिक्स कि किन तरीके से मैं इनके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो सर ये जो दो चीजें थी आई वुड से कि दो चीजों ने प्रिपरेशन वाइज बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आए थे। और सर इसके अलावा एक थर्ड चीज जो मैंने ये की थी कि लोग वहां पे क्योंकि सर 2 घंटे का एग्जाम होता है प्रीलिम्स और 2 घंटे में ही सर यू हैव टू परफॉर्म वेल, तो लोगों का हमेशा ये माइंड में रहता है कि वहां जाके होगा या नहीं होगा। तो आप जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे वहां पे अपने प्रिपरेशन के ऊपर वहां पे सर दे विल बी मोर चांसेस कि आप रिस्क ज्यादा ले सके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोग वहां पे रिस्क नहीं लेते हैं, वहां पे 65-70 अटेम्प्ट करके आते हैं और उससे उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो वहां पे आप रिस्क टेकिंग भी अच्छे से ले पाएंगे, काम रहेंगे, कामली एकदम पेपर लिखेंगे और अच्छा कर गएंगे सर। दैट इज वेरी गुड। तो आपने जो भी बात करी उससे आपके बिहाफ पे थोड़ा ऑडियंस को ध्यान दिला दें कि सबसे पहले पिछले साल के क्वेश्चन को जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे आपको ये स्ट्रेटजी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक इंटेलिजेंट गेस करने की आदत भी पड़ जाएगी, राइट। दूसरी चीज है कि वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। यदि पहले से डाउटफुल रहेंगे या फियरफुल रहेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर्ड हो जाएगी, एंड यू हैव टू मेक द बेस्ट पॉसिबल इंटेलिजेंट वर्किंग ऑन दैट, नॉट दैट यू नो एवरी क्वेश्चन, बट इतना कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है जब प्री एडमिशन दोनों तैयारी साथ करते हैं कि चीजें डेवलप हो जाएगी। वेरी गुड। अब एक चीजें जो हैं थोड़ा मेंस में आने से पहले ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि एक होता है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ये बहुत बड़ी एक समस्या रहती है स्टूडेंट के साथ में, इतनी सारी चीजें पढ़नी है। तो आपने कहा कुछ बेसिक स्टैंडर्ड बुक को बार बार पढ़ें, राइट, लेकिन साथ साथ ये भी कि जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं कुछ दिन के बाद, याद नहीं रहता है, इस समस्या का क्या आपने भी इस तरह का फेस किया और किया तो क्या सॉल्यूशन लोगों को समझाना चाहेंगे? जी सर, ये प्रॉब्लम सर मेरे साथ भी आती थी, तो इसके लिए सर मैंने थोड़ा एनालाइज किया कि मैं क्या चीजें भूल रहा हूँ और क्या चीजें जो मुझे याद रहती है। तो इनके लिए सर लोग जनरली क्या करते हैं, जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं वो सर जब नोट्स बनाते हैं तो वो हर चीज के नोट्स बना लेते हैं, तो उनके नोट्स काफी मोटे हो जाते हैं, तो एंड में जब रिवीजन का टाइम आता है तो वो रिवाइज नहीं कर पाते उनको। तो मैंने क्या किया था कि मैं उनको जब बार बार पढ़ रहा था चीजों को तो काफी चीजें मुझे याद हो जा रही थी और कई चीजें ऐसी थी जो बार बार याद रखने के बावजूद भी मैं भूल जाता था। तो सर उन चीजों को मैंने जो नोट्स बनाए थे अपने वो 5-6 रीडिंग के बाद में बनाए थे, और 5-6 रीडिंग के बाद में मैंने सिर्फ उन चीजों के नोट्स बनाए थे जो एक फर्स्टली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेकेंडली वैसी चीजें जो मैं एंड में एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ के चले जाऊं तो मुझे वो याद रहेंगे, जिनके चांसेस ऐसे हैं कि सर मैं भूल जाऊं अगर मैं बहुत टाइम तक नहीं पढ़ूंगा। तो इससे क्या हुआ कि सर मेरे नोट्स बहुत छोटे हो गए और बहुत इजी हो गए रिवाइज करने के लिए। सर तो ब्रीफ नोट्स एंड अपने जो क्वालिफाई करके रखें और आप किसी समय भी कम टाइम में भी रिवाइज कर सकें, ये आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि अपना नोट्स रखें, ब्रीफ बनाए और रिविजन करते रहें। रिविजन ही इज द हॉलमार्क ऑफ रिमेम्बरिंग द थिंग्स देयर। वेरी वेल, बहुत अच्छी बात है। टाइम मैनेजमेंट भी एक बड़ा क्रूशियल इश्यू होता है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के कितने घंटे पढ़े कि ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट का जो नए नए तैयारी करते हैं कि भाई 6 घंटे पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना है या 15 घंटे पढ़ना है। तो ये मिथ के बारे में अपने बारे में बताइए कि एग्जैक्टली जिसको हम कंसिस्टेंट स्टडी करते हैं और एवरेज कितने आवर की स्टडी में कैंडिडेट अच्छा कर सकता है। जी सर, ये सर काफी क्वेश्चंस मुझसे भी पूछे गए हैं और मैं भी सर जब शुरुआत की थी मैंने तब मैं भी ये सवाल पूछता था कि कितने आवर्स इनफ है, लेकिन सर मैंने पर्सनली ये फील किया है कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हैं इससे ज्यादा ये जरूरी है कि आप दिन में क्या टारगेट्स आपके रख रहे हैं। right. और थोड़े से एम्बिशियस टारगेट्स रखने जरूरी है कि दिन में मुझे आज लक्ष्मीकांत के इतने चैप्टर्स करने, स्पेक्ट्रम के मुझे इतने चैप्टर्स करने हैं और मुझे आज एक पेपर सॉल्व करना है या फिर आज मुझे इतने इतने टाइम पे आंसर राइटिंग करनी है। तो दिन में सर मैं टारगेट्स फिक्स करता था, तो सुबह सुबह उठ के मैं टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करता था और रात में सर जब तक मेरे टारगेट्स अचीव नहीं होते थे मैं तब तक पढ़ता था।
थोड़े एम्बिशियस टारगेट्स अगर रखेंगे तो इससे सर दो फायदे होंगे। एक तो सर कि आपको डेली उठ के ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आज हमको पढ़ना क्या है, उसमें सर टाइम वेस्ट नहीं होगा। और सेकेंडली सर ये चीज होगा कि आपकी टाइम वाइज चीजें फिनिश हो जाएंगी। तो कई टाइप के सर एस्पिरेंट्स हैं जो 12 घंटे दिन में पढ़ते हैं और कई टाइप के ऐसे हैं जो 6 घंटे पढ़ते हैं, बट उनमें मैंने ये चीज कॉमन रखी है कि उनकी एक शेड्यूल वाइज स्टडी रहती थी और वो शेड्यूल वाइज में उनके जो टारगेट्स थे वो सिलेबस के थे, चाहे वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के थे, वो सर वो टाइमली फिनिश कर रहे थे। तो मेरा तो सर ये एडवाइस रहेगा कि आप टाइम की बजाय आप डेली टारगेट रखिए कि मुझे आज के दिन में सोने से पहले इतना टारगेट्स मुझे फिनिश करने हैं, दैट वुड बी से बेटर। बट इन एवरेज एक 6 to 8 आवर्स की स्टडी यदि चलता रहे तो आई थिंक दैट शुड टेक केयर ऑफ थिंग्स विद फुल फोकस माइंड। डू यू एग्री विद दैट? हां यस सर, आई डेफिनेटली एग्री, क्योंकि सर नए एस्पिरेंट्स हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। 6 to 8 आवर्स तो मिनिमम है, उसके बाद सर आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पे यू विल बी मोर फैमिलियर, आपको नॉलेज भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो देन यू कैन हैव थोड़ा टाइम आप रिलैक्सेशन के लिए ले सकते हैं। लेकिन आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आई वुड से कि 8 आवर स्टडी इज मिनिमम। और एक क्वेश्चन और ध्रुव, बड़ा फ्रीक्वेंटली रहता है लोगों के दिमाग, हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, है ना? आपके लिए भी 3 अटेम्प्ट और मोटिवेटेड रहना, है ना, एक क्वेश्चन मार्क जरूर रहा होगा, इसका आंसर आप क्या देना चाहेंगे अपने अनुभव से? देयर आर टू वेज जिन वजह से आप मोटिवेटेड रह सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपका जो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन है वो सर तब आपको मिलेगा जब आपके माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि मैं क्यों सिविल सर्विसेज करना चाह रहा हूँ, एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू फॉर 25 to 30 इयर्स। तो जब सर क्लैरिटी ऑफ थॉट है, जब आपने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे यही करना है, तो सर डेली उठ के यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द रीजन कि मेरे को ये क्यों करना है। आप जैसे रिमेंबर करेंगे आप मोटिवेट हो जाएंगे। और सेकंड चीज मैं ये करता था कि सर मैं प्रिपरेशन को एज अ प्रिपरेशन नहीं लेता था, मैं प्रिपरेशन को लेता था कि एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि इट वॉज नॉट अ बर्डन फॉर मी, मतलब इट वॉज नॉट एन एंड्स टू मी, इट वॉज अ मीन्स टू एन एंड। तो मैं हमेशा ये सुबह उठकर सोचता था कि आज मैंने इतना कर लिया, इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी इन दिस वे विच वुड मेक मी मोर सुटेबल टू बी एन आईएएस। तो डेली सर आई फेल्ट कि आई वॉज बिकमिंग मोर क्लोजर टू एन एडमिनिस्ट्रेटर एज मच एज पॉसिबल अप टू माई स्ट्रेंथ। तो दिस इज वे सर आई यूज टू मोटिवेट माई सेल्फ। गोल एक्चुअली जब अपने सामने क्लियर हो, पर्पस क्लियर हो और उससे रिलेटेड जो आपका जॉय सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है जब आप उसको सामने रखते हैं, तो कहते हैं ना मंजिलें सब जितने भी सफर है वो भी बहुत ही जॉयफुल हो जाता है यदि हमारे पास क्लियर है, ठीक है ना? इफ यू कीप रिमेम्बरिंग व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर दिस होल जर्नी, सो दिस जर्नी विल नॉट ट्रबल यू, रादर इट विल बिकम जॉयफुल टू यू, राइट? यस सर, दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। एक जो है ना न्यूज़पेपर रीडिंग को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर में, क्या छोड़ दें उसमें, तो और कितना टाइम लगाए, सब चीज डिस्कशन में आता है, तो आप उसके बारे में अपना अनुभव बताइए कि क्या कहना चाहेंगे। सर अगर आप कई एस्पिरेंट्स हैं जो बिल्कुल नए हैं इस प्रिपरेशन में, तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि आप 1.5 से मैक्सिमम 2 घंटा टाइम दें न्यूज़पेपर को और जितना हो सके उतना पढ़ें। और अगर आप ये टाइम सर धीरे धीरे आते आते 40 मिनट्स तक हो जाएगा। सेकेंडली सर कौन सा आप न्यूज़पेपर पढ़ें, तो सर मैं तो 2 न्यूज़पेपर रेफर करता था, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। इन दोनों में से सर मैं दोनों न्यूज़पेपर को एक बार उसको ऊपर से देख लेता था, जो न्यूज़पेपर में मुझे लगता था कि आज के दिन थोड़ा ज्यादा कंटेंट है मेरे लिए यूपीएससी के लिए, तो मैं उसको पढ़ता था। तो दिस इज हाउ आई फिल्टर ऑन अ डेली बेसिस। सेकेंडली सर क्या पढ़ना है, तो उसके लिए सर सबसे पहले तो यूपीएससी का जो सिलेबस है वो सर हमें याद होना जरूरी है। अगर हमने सिलेबस को काफी अच्छी तरीके से याद कर लिया है, तो सर ये जो हमारा काम है कि हम न्यूज़पेपर में से फिल्टर कर रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो काम बहुत आसान हो जाता है। तो जैसे ही सर कोई सिविल सोसाइटी का इश्यूज हमें दिखता है या फिर म्यूनिसिपालिटी का इश्यूज दिखता है, तो हमें पता है कि ये GS2 के सिलेबस में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं सर न्यूज़पेपर में सबसे पहले उसको टिक कर देता था कि मुझे ये चीज पढ़नी है, और सर बाकी के जो इश्यूज हैं वो इस तरह से फिल्टर आउट हो जाते थे। तो फिर से आपकी भी आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना न्यूज़पेपर में, उसके लिए सबसे पहले अपने सिलेबस के बारे में आप ठीक से फेमिलियर हो जाए। आपके सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़पेपर में वो रेलेवेंट आपका, जैसे कि जितने जनरल स्टडीज के पेपर में है या इससे रिलेटेड कुछ मैटर आएगा, तो आप उस रिलेटेड चाहे पॉलिटी है या इंटरनेशनल रिलेशन है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, कुछ भी सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड आपको यदि क्लैरिटी होगी तो आपकी नज़र तुरंत पड़ जाएगी कि इससे रिलेटेड न्यूज आया जो काम का है, करेक्ट? और जैसा आपने कहा 1.5 घंटे शुरू में लग सकता है, धीरे धीरे 45 मिनट्स शुड बी गुड एनफ। कुछ न्यूज ऐसे होते हैं जो हेडलाइंस को पढ़कर ही समझ में आ जाता है, उसको डिटेल पहने के लिए कुछ के लिए डिटेल भी जाना पड़ता है, लेकिन आपने जैसे कहा जो इम्पोर्टेंट आपके लिए मार्क कर दिया, एडिटोरियल मार्क कर दिया, फिर ध्यान से पढ़ें। तो न्यूज़पेपर की रीडिंग के बारे में बेसिकली
15 मिनट तो एज ए जनरल लीडर लगाना रीडर लगाना चाहिए कि आप 15 मिनट के अंदर आप पूरा स्कैन थ्रू कर जाए न्यूज़पेपर में कि क्या इंपॉर्टेंट, कुछ तो कुछ टाइटल पढ़ के समझ में आ जाता है, कुछ जनरेट, और उसी के बीच में आइडेंटिफाई कर लीजिए कि व्हाट आर द रेलेवेंट टॉपिक्स फॉर यू जो आपके सिलेबस से ताल्लुक रखते हैं। द नेक्स्ट जो है आप अनदर 30 मिनट्स से लेके 45 मिनट्स उन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने लगा सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, या कोई बहुत आवश्यक चीज हुआ तो उसको आपने नोट भी कर सकते हैं, दैट इज वेरी गुड। और ये इसके बाद जब शुरू करते हैं तो फिर एक फ्लो बन जाता है, कंटिन्यूटी में काम हो जाएगा। ध्रुव एक मेंस की तैयारी की भी अपनी एक अलग स्ट्रेटजी है प्रीयर मेंस के साथ में, क्योंकि राइटिंग स्किल का बड़ा इंपॉर्टेंस है और जो टाइप में बड़े लिमिटेड वर्ड भी स्पेस है, तो आप एक जनरल अपना अनुभव जो शेयर करना चाहें वो बताइए कि प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटजी के बाद मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जी सर, सर मेंस की स्ट्रेटजी के दो फाउंडेशन पिलर्स हैं, पहला तो सर सिलेबस है, तो मैंने ये किया था कि सर जो भी सिलेबस है उसके सर जो जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर मैंने ढंग से रिसर्च करके और एक दो पेज के नोट्स टाइप बना लिए थे कि ये उसको समझने के लिए कि ये कीवर्ड है तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, कि अगर सिविल सोसाइटी इश्यूज हैं तो उसमें प्रेशर ग्रुप्स हैं तो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या है हमारी पॉलिटी में, तो इस टाइप के सर मैंने नोट्स बना लिए थे एक एक पेज के, तो इससे सर मुझे एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि सिलेबस में एक्चुअली में है क्या। और दूसरा जो फाउंडेशन पिलर है वो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने अराउंड 2000 जितने भी पुराने हो सकते हैं मैंने वहां से सॉल्व किए थे 2019 के, तो उससे ये आइडिया लग गया था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या ये रेलेवेंट है या नहीं जो यूपीएससी पूछ रहा है, तो दो चीजें सर मैंने ये की थी। उसके बाद में सर जो थर्ड जो चीज है जिसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि आंसर राइटिंग के लिए क्या करना चाहिए या कितना टाइम देना चाहिए, मैंने सर ये किया था कि आंसर राइटिंग को मैंने दो भाग पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो कि आंसर थिंकिंग और एक है आंसर राइटिंग, तो जो आप आंसर सोच रहे हैं वो आंसर आपका राइटिंग में आना चाहिए, क्योंकि मेंस में सर क्या होता है कि 3 घंटे का पेपर होता है, आप फर्स्ट आवर में बहुत अच्छा लिख पाते हैं, सेकंड आवर में आपका थोड़ा सा कम हो जाता है और थर्ड आवर में आपको जितना आता है आप उतना लिख के आ जाते हैं, तो आई फेल्ट कि मेंस इज मोर अबाउट आंसर थिंकिंग देन आंसर राइटिंग, तो आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हैं, कितने अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं और कितने अच्छे से आप सोच सकते हैं कि वॉट यू हैव टू राइट, तो मैंने सर यही किया था कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग बस मैं जो लिखी फॉर द सेक ऑफ राइटिंग मैं आंसर्स या क्वेश्चंस को देख के सोचता था। मैं कभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ तो अगर मुझे पता चल रहा है कि कोई क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया प्रीवियस ईयर का कि व्हाट आर द इश्यूज ऑफ द मिडिल क्लास वुमेन, तो मैं उनके बारे में सोचता था कि क्या है क्या नहीं है, फिर सर हाउसिंग कई बार दिखता है कि हाउसिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उन पे सोचता था कि व्हाट शुड माय इंट्रोडक्शन फॉर हाउसिंग इश्यूज, व्हाट शुड बी द बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो वैसे सर जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था तो मैंने देखा था कि ओडिशा को काफी अच्छा काम कर रहे हो तो यूएन हैबिटेट आर आल्सो रिकॉग्नाइज देम, तो वो चीज मेरे दिमाग में आ गई थी, तो आंसर राइटिंग से ज्यादा मैंने आंसर थिंकिंग पे काम किया था और वहां जाके सर इट हेल्प इन डेवलपिंग माय पर्सनालिटी टू इट, तो वहां जाके सर ऑल आई हैड टू डू वाज जस्ट जो मैं सोच रहा हूँ वो मुझे जस्ट लिख के आना था, तो दिस इज व्हाट समथिंग हेल्प मी सर। ध्रुव आपने जो ये बात करी आंसर थिंकिंग एंड आंसर राइटिंग, ये फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो आप जैसा थिंकिंग करेंगे वैसे आपके उसके बारे में ओपिनियन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्या होता है सीधे वो लिखना चाहते हैं विच इज नॉट पॉसिबल, तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि इन जनरल एनवायरमेंट में भी चलते फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी सिर्फ किताबों नहीं या कुछ घंटे में बैठ के नहीं है बल्कि एनवायरमेंट में होता है, क्योंकि आपको उसी एटमॉस्फेयर में कल जाना है, तो आपने कहा कि कोई इश्यूज है प्रॉब्लम है ट्रेन में भी जा रहे हैं वहां भी सोच रहे हैं, तो ये आपने बहुत पावरफुल बात कही कि आंसर थिंकिंग आंसर राइटिंग पहले भी और जब आप लिखने लगे या एग्जामिनेशन हॉल में टू मस्ट प्लान एंड फ्रेम योर आंसर फर्स्ट बाय थिंकिंग कि होगा आंसर में मुझे ये सब चीजें कंटेंट कवर करनी एंड देन यू राइट ऑन दैट, तो आपका आंसर परफेक्ट होगा इस लाइन के में, तो दिस इज ए वेरी गुड कम्युनिकेशन, आपने एक तरह से प्रोवर क्रिएट कर दिया आंसर थिंकिंग एंड आंसर राइटिंग, तो सबको फॉलो करना चाहिए इससे उनके आंसर की क्वालिटी अच्छी होगी। जी सर, एक वर्ड लिमिट की समस्या रहती है कि हम वर्ड लिमिट में ही आंसर को कैसे पूरा कर दें, तो उसके लिए ये नेचुरली ये जो स्टाइल आपका काम आएगा, बट कुछ और कहना चाहेंगे कि वर्ड लिमिट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? जी सर, सर वर्ड लिमिट अगर आप एक्सीड करते हैं अपने आंसर्स में तो यूपीएससी से पेनल्टी मार्क्स भी लगाता है। मैं सर एक दो मार्कशीट देख चुका हूँ जहाँ पे -5 से लेकर -15 तक इसी साल पेनल्टीज लगी है, तो वर्ड लिमिट के लिए सर पहले तो ये करना पड़ेगा कि हमको हमारी राइटिंग को एनालाइज करना पड़ेगा कि हम एक लाइन में कितने वर्ड्स लिख रहे हैं और हम एक पेज पे कितने लाइंस लिख रहे हैं। जब सर आप शुरू में 2-3 आंसर्स लिखेंगे 3-4 आंसर्स लिखेंगे
आपको अपना पता चल जाएगा कि क्या आपकी राइटिंग की स्टाइल है, कितने आप वर्ड्स लिख रहे हैं, तो उससे आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि मैं एक पेज में 70 वर्ड्स लिख रहा हूँ या एक पेज में मैं 60 वर्ड्स लिख रहा हूँ। तो दैट वुड हेल्प, क्योंकि सर वहाँ पे एग्जैक्ट चेकिंग नहीं होती है, लेकिन इफ यू एक्सीड आंसर लिमिट, जो वर्ड लिमिट है, तो उनको दिख जाता है क्लियरली कि दिस पर्सन हैज रिटन वे मोर देन आंसर लिमिट। तो आप अगर थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करेंगे तो एक ब्रॉड आइडिया आपको लग जाएगा कि मेरे को एक पेज में आई एम राइटिंग अप्रोक्सीमेटली 60 वर्ड्स, दो पेज में आई एम राइटिंग अप्रोक्सीमेटली 120 वर्ड्स। तो इस टाइप का सर दैट वुड हेल्प। गुड, वेरी गुड आंसर। I'm Pratyush Pandey. I got the 21st rank in the civil services exam in 2019. I had given a mock interview at Chanakya IAS Academy and I was very happy with the feedback which I received, which I think big role in helping me in my interview. So I would recommend all those appearing for the interview to consider going to Chanakya IAS Academy for their mock as well. अब ये बताइए कि एसए पेपर जो है नॉर्मली स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में तैयारी अलग से कर नहीं पाते और एसए को कई बार नेगलेक्ट भी कर लेते हैं, आपका अनुभव क्या रहा, एसए की तैयारी कैसे करना चाहिए? हाँ सर, एसए इज समथिंग कि उसमें सर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं कंपेरेटिव टू अदर जीएस पेपर्स, और उसमें सर बाकी जीएस पेपर से ज्यादा टाइम मिलता है आपको। तो यूपीएससी इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि आप उसमें आप बिल्कुल सोच समझ के अच्छे से आंसर एसए लिखें, नॉट इन रश। तो मेरा तो सर प्लान ये था कि पिछले कुछ साल के मैंने पेपर्स एनालाइज किए थे, उसमें सर आई फाउंड आउट कि जो फिलोसॉफिकल टाइप एसेज हैं जिनके मीनिंग इट कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन दे आर इंटरप्रेटिंग इट, तो वो हर इंसान का चेंज हो रहा था। तो आई फेल्ट कि इस टाइप के एसेज इट इज वेरी मच पॉसिबल कि इस साल भी आए। तो आई स्टार्टेड पिछले साल के जितने भी फिलोसॉफिकल एसेज थे मैंने उनका प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया था। और सेकेंडली सर कुछ जो रिकरेंट इश्यूज हैं जैसे फार्मर इश्यूज हैं, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, वाटर है, एजुकेशन है, इनके भी सर रिकरेंट इश्यूज आ रहे हैं, तो मैंने इनके नोट्स बना लिए थे और मैंने जो फिलोसॉफिकल एसेस थे उन पे मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो दो चीजें सर मैंने इस तरह से प्रिपेयर की थी। और फिलोसॉफिकल एसेस के लिए सर मैंने ये किया था कि क्योंकि सर बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, आप किसी भी डायरेक्ट वे में इनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो मैंने सर ये प्रैक्टिस किया था कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है फिलोसॉफिकल एसे का उसको मैं किन वेज में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, उस टॉपिक का कितने डायमेंशन में खोल सकता हूँ। जैसे सर इट इज मतलब जैसे दिस इज नॉट ए फिलोसॉफिकल एसे, बट जैसे अगर पूछा गया कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ महात्मा गांधी जी इन टूडेज या वर्ल्ड, तो मैंने सर इनके डायमेंशन इस तरह से बनाए थे कि पहला डायमेंशन तो ये हो जाएगा कि व्हाट आर हिज आइडियाज दैट आर रेलेवेंट टूडे, और सेकंड डायमेंशन मेरा ये था कि आर देयर सम आइडियाज विच आर विच मे नॉट बी रेलेवेंट टूडे। थर्ड मैंने सर डायमेंशन टाइम वाला ले लिया था क्योंकि उन्होंने पूछा था कि टूडे, तो मैंने देखा मैंने एक और डायमेंशन बना लिया था कि हिस्टोरिकली भी उनके आइडियाज रेलेवेंट थे, आज भी रेलेवेंट है, और क्या उनके आइडियाज फ्यूचर में भी रेलेवेंट होंगे। तो इन दिस वे सर मैं टॉपिक्स जो टॉपिक था उसको ब्रेक डाउन करके बहुत सारे डायमेंशन टॉपिक में से ही निकाल रहा था। दिस वॉज माई वे ऑफ राइटिंग एन एसे। वेरी गुड, एक तरह से वर्टिकल एंड लैटरल थिंकिंग सारा कर रहे थे आप अपने एसे के अंदर में, राइट? तो उसमें और इसमें भी ऐसे के अंदर जैसे तीन कंपोनेंट बन जाता है, इंट्रोडक्शन है, मिडिल है, एंड है, थोड़ा इसके बारे में अपना अनुभव बताइए। जी सर, सर ऐसे में मैंने काफी स्टूडेंट्स की काफी टॉपर्स की कॉपीज देखी है, तो ऐसे में यूजुअली वो ये करते हैं कि इंट्रोडक्शन में एक कोट से स्टार्ट कर देंगे या फिर एक एनेक्डोट से स्टार्ट कर देंगे, और जो कंक्लूजन है उसमें सर दे वुड बी क्लोजिंग डाउन, जो ऐसे है उसको क्लोज करेंगे कि आपने ऐसे के दोनों साइड दिखा दिए और नाउ यू आर कन्वर्जिंग योर ऐसे कि दोनों साइड में से वेयर यू स्टैंड, तो लास्ट कंक्लूजन जो होगा दैट विल बी हमारा स्टैंड क्या है इस एसे में, विच साइड ऑफ वी आर स्टैंड। और ये जो स्टैंड है सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्यूचरिस्टिक हो, कि आज भी ये चीज राइट है और फ्यूचर में इफ वी डू दिस देन ये चीज जो या फिर ये जो इश्यूज हमने रेज किए हैं दे विल बी उन पे काम किया जाएगा, इट विल बी वेरी मच बेटर इन द फ्यूचर। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू वर्क ऑन इन इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन। और बॉडी में सर व्हाट आई यूज टू डू कि मेरा ऐसे जितना ज्यादा सिस्टमैटिक दिखे तो उसके लिए मैं ये करता था कि मैं पेज में सिर्फ दो पैराग्राफ्स लिखता था, तो दो हर पेज में दे वुड बी एट मैक्स टू पैराग्राफ्स, तो एक पैराग्राफ में एक डायमेंशन होगी। तो जैसे एक डायमेंशन मैंने एजुकेशन की लिखी है एक पैराग्राफ में, तो मैं उसके प्रॉब्लम्स और एनी बेस्ट प्रैक्टिसेस या फिर वे फॉरवर्ड वो मैं उसी पैराग्राफ में दे देता था, और उसके बाद में आई वुड स्किप टू हेल्थ। तो इस तरह से सर मैं एक पैराग्राफ में वन डायमेंशन में भी बहुत सारे सेक्टर्स खोल देता था। तो जैसे आप बता रहे थे कि वर्टिकल एंड लैटरल थिंकिंग, तो मैं वो हर पैराग्राफ में ट्राई करता था
खोलने की सर सारे डायमेंशन आपने इसको टेकअप करने की कोशिश की. ध्रुव जो सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट इज आगे ऑल्सो ए वेरी चैलेंजिंग थिंग. आप जो हैं कंप्यूटर इंजीनियर के स्टूडेंट हैं और आप जो हैं आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपना ऑप्शन लिया, तो इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट को और आपने कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट किया इसके बारे में बताइए थोड़ा. जी सर, जैसे आपने बताया कि सर सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे सर मेंस के मार्क्स में सबसे बड़ा रोल ऑप्शनल मार्क्स का ही था. आई हैव स्कोर्ड 299 इन माय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल और अभी तक का इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन माय ऑप्शनल. तो मेरे जीएस स्कोर्स अराउंड 530 थे, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ऑल द अदर टॉपर्स जितने भी लोग सिलेक्ट हुए. बट ऑप्शनल इज वेयर आई हैव फेच अराउंड 20 टू 30 मार्क्स मोर और जिस वजह से मेरा टॉप 100 रैंक आया. तो आई वुड से कि सर ऑप्शनल की चॉइस लेना इट विल डिपेंड ऑन कि किस ऑप्शनल में फर्स्टली यू कैन अंडरस्टैंड वेल एंड सेकेंडली आप जिसमें स्कोर कर सकते हैं. तो आई फेल्ट कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल था उसका सर मैंने सिलेबस एक बार पढ़ा और मैंने जीएस के साथ कंपेयर किया तो मुझे काफ़ी कॉमनैलिटीज लगी. तो मुझे ये लगा कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर मैं पढ़ूंगा तो नॉट ओनली मेरा ऑप्शनल कवर होगा बट मेरा जीएस भी काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा. तो दैट वॉज माई वे. और सेकेंडली सर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे तो आई वॉज थिंकिंग कि जिस टाइप के क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं क्या मैं समझ पा रहा हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के, और समझ पाने के बाद में वेदर आई कैन थिंक ऑन दोज आंसर्स एंड व्हेन वेदर आई कैन आंसर देम वेल. सो दिस इज व्हाट एवरीवन हैज टू डू जो भी एक्सपीरियंस है कि पहले व्हाटएवर आप ऑप्शनल जो देखना चाह रहे हैं पहले आप ये देखें कि आप उस ऑप्शनल को अच्छे से समझ पा रहे हैं, उसके सिलेबस के हर टॉपिक को ब्रेक डाउन करिए, उसके बाद में यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आप उनको समझ पा रहे हैं, क्या आप उनको आंसर कर सकते हैं. और अगर सर आप ये दोनों चीजें कर सकते हैं तो देन इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. वेरी गुड. इसमें कुछ बुक्स के नाम बताना चाहेंगे आप जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा टू बिगिन विथ एंड देन बाकी और क्या क्या चीजें आपने रेफरेंस के तौर पे देखा उसको जरा बताइए. जी सर, सर मेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पेपर वन और पेपर टू के लिए दोनों डिफरेंट बुक्स थी. पेपर वन के लिए सर मैंने दो बुक्स को रेफर किया था. एक है प्रसाद एंड प्रसाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के बारे में और सेकेंड इज न्यू हराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय मोहित भट्टाचार्य. और पेपर टू के लिए सर मोस्ट ऑफ मेरा प्रिपरेशन मेरे नोट से हुआ था और उसके लिए सर मैंने रेफर किया था गोयल एंड गोयल की एक किताब है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैंने उसको रेफर किया था सर. ओके, वेरी गुड. अब थोड़ी सी बात करते हैं इंटरव्यू की. आपका एक्सपीरियंस क्या रहा बोर्ड के साथ, किसका बोर्ड था आपका इंटरव्यू में? सर जितने भी मैंने मॉक इंटरव्यूज वगैरह दिए थे तो उनसे काफी डिफरेंट था मेरा एक्चुअल इंटरव्यू. मेरा इंटरव्यू मेरे को श्री राजीव नारायण चौबे जी सर का बोर्ड था मेरा और माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, वेरी कॉर्डियल बोर्ड. और उनके साथ इंटरेक्ट करके काफी ऐसा लग रहा था कि इज अ वेरी सीनियर आईएएस. तो इवन देन आल्सो ही ट्राइड टू मेक मी कंफर्ट फील कंफर्टेबल कि मैं नर्वस था शुरू में जाते ही, लेकिन उनसे बात करके आई वॉज वेरी कंफर्टेबल ऑन द चेयर. तो इंटरव्यू में ओवरऑल आई वुड से कि मेरा वेरी कॉर्डियल वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस था और दिस इज व्हाट समथिंग कि जो मैं बहुत टाइम तक रिमेम्बर करूंगा. तो मोस्टली सर सबसे शुरुआत तो चौबे सर ने ही की थी, उन्होंने आस्क्ड मी सम ऑफ द क्वेश्चंस तो उनका मैंने अच्छे से आंसर किया था और देन जो इंडिविजुअल मेंबर्स थे उन्होंने क्वेश्चंस किए थे. कई क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका आंसर मुझे नहीं आता था तो उन्होंने चौबे सर ने पहले ही बोल दिया था कि इट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है. जिन क्वेश्चंस में आपको नहीं आता है यू कैन वेरी वेल से कि आई डोंट नो एंड वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस जिन पे आप आंसर कर सकते हैं. तो जब जो जहाँ पे सर मुझे प्रॉब्लम हो रही थी वेदर आई कुड नॉट रिकॉल द फैक्ट आई ऑनेस्टली सेड कि सर आई डोंट नो एंड दे डिड नॉट, मतलब लोगों का परसेप्शन है कि वहाँ पे वो ग्रेड करते हैं आपको ये करते हैं, दैट वॉज नॉट एट ऑल ट्रू. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और काफी सर आई वुड से इट वॉज वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस कि इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था मुझे. सर वैसे इतने ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछे थे मुझसे, मतलब ओवरऑल मेरा वो पर्सनालिटी टेस्ट करना चाह रहे थे कि व्हाट आर माय ओपिनियंस ऑन वेरियस इश्यूज. तो मैं जिन भी क्वेश्चंस का उन्होंने पूछा था कि आई व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस, तो मैंने सर अपना ओपिनियन दिया था एंड ऑन बेस्ड ऑन दैट दे जज मी. और उसके अलावा सर एक क्वेश्चन आई कैन रिमेम्बर जो काफी अच्छा उन्होंने पूछा था, दैट वॉज कि बिकॉज मैंने उनको मेंशन किया था कि मैंने एजुकेशन में थोड़ा काम किया हुआ है फॉर टीचिंग मेरे रूरल किड्स, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि एक फार्मर है तो फार्मर का एक सन है तो द फार्मर ही डज नॉट वॉन्ट टू सेंड हिज सन टू स्कूल. वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ा होके भी इसको एग्रीकल्चर ही करना है तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन टू हिज एजुकेशन. तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि अगर इस जो फार्मर है उनको आपको कन्विंस करना है कि अपने बच्चे को वो स्कूल में भेजें तो आप किस तरह से करेंगे.
उसका आंसर आई थोड़ा सोच के मैंने आई ट्राई टू आंसर इट इन अ वे कि सर फर्स्टली एक तो रियल लाइफ एग्जांपल्स हम दे सकते हैं कि कई ऐसे हैं जो जिनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर में था बट उनके बच्चे पढ़े लिखे और काफी आगे तक गए थे. एंड सेकेंडली सर मैंने एक मेटाफर ट्रैप देने की कोशिश की थी. मैंने बताया था कि जैसे एक फार्मर है तो वो अपने क्रॉप में टाइम इन्वेस्ट करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है और मेहनत इन्वेस्ट करता है, उसके बाद में वो क्रॉप हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाती है. तो वैसे ही अगर अपने बच्चों पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे और फाइनेंसेस रिसोर्सेज इन्वेस्ट करेंगे जिनका सपोर्ट गवर्नमेंट भी करेगी, तो उनके बच्चे भी हैं वो हार्वेस्ट की तरह मतलब बहुत अच्छे से रेडी होके आएंगे. तो इवन इफ दे ज्वाइन एग्रीकल्चर तो दे वुड बी उनके डिसीजन मेकिंग स्मार्टर होगी, वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको लोन्स मिलने थोड़े आसान हो जाएंगे. तो ये सारी चीजें सर आई टोल्ड देम. इंटरेस्टिंग है कि जो आंसर आप देते हैं उसके ऊपर असेसमेंट ज्यादा करते हैं. आपको बहुत राइटली चेयरमैन साहब ने भी आपको इस चीज को बताया. गुरु अब आपका सिलेक्शन हो चुका है, कुछ इंसान के ड्रीम होते हैं जब तैयारी करते हैं. जब मैंने पर्सनल लेवल पे एजुकेशन का इम्पैक्ट देखा था तो आई ऑलवेज फेल्ट की एजुकेशन इज वन सच एरिया जहाँ पे जितना मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ उतना कम है और जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसका बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा सोसाइटी पे. तो मेरे को हमेशा से ये रहा है कि अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं एजुकेशन में अपना सेक्टर में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहूंगा. बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और आपकी सोच बहुत क्लियर है. मुझे उम्मीद है कि आपकी इंटरव्यू को देखकर फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं वो फोकस्ड होकर के रिलेवेंट प्रेशर करेंगे और काफी लोग आपसे रिलेट करेंगे, ऐसी मेरी भावना है. तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि यू मेक ए गुड नेम एंड फेम एंड सेटिस्फाइंग करियर इन IAS. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच सर. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.